هر عبادة سبرتر عبادة نمى ساري دولة دولت هدولة نمى هر عبادة سبرتر عبادة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم

और हिसाबों किताब से जल्द निजात पा जाने वाला शख्स वो होगा जिसने तुम में से मुझ पर बक़सरत से दुरुद पाक दुनिया में पड़े होंगे सलूल हबीब सल अला मुहम्मद महम्मद अलैहि वसल्लम प्यारे इस्लामी भाइयों मदनी चैनल के नाजरीन यह है प्रोग्राम अहकाम नमाज और हम आपको इसमें खुश आमदीद कहते हैं हसूल सवाब की खातिर बयान सुनने से पहले अच्छी अच्छी नीयतें भी फरमा लीजिए कि फरमान अलैहि सल्ला वसल्लम है नियतुल मिन अमली मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है मजरी चैनल के नाजरीन आइए एक हदीस मुबारक आपके गोश गुजार करता हूँ नबी करीम सलम ने फरमायाब फरमाया बेशक क्यामत के दिन आदमी के आमाल में से सबसे पहले फर्ज यानी नमाज का हिसाब किताब लिया जाएगा फाइन साल अगर उसकी नमाज हुई तो वो ठहरेगा. और अगर उसकी नमाज दुरुस्त ना हुई तो वो शख्स ना काम होगा वो ना मुराद होगा वो खसारा पाने वालों में से हो जाएगा इस हादिस मुबारक में अगर आप गौर करें तो पता यह चलता है कि हकूकुल्लाह में कयामत के रोज सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा नमाज की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह के फराइज में हकूकुल्लह में सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा और नमाज अगर दुरुस्त तरीके से पड़ी हुई हुई तो इंसान कामयाब ठहरेगा और अगर नमाज के फराइज वाजिबात को छोड़ा हो नमाज को दुरुस्त तरीके से अदा ही ना किया हो यानी इस तरह पढ़ा गोया नमाज हुई नहीं या इसकी नमाज के अंदर कमी रह गई तो फरमाया नाकाम हो जाएगा ये शख्स खसारा पाने वालों में से हो जाएगा और आप जानते हैं कि यह इम्तिहान था जो दुनिया में है और फिर उसके बाद कयामत के दिन जो लोग इस इम्तिहान में पास हुए हैं उनके बारे में बता दिया जाएगा कि ये कामयाब ठहरे हैं और जो नाकाम हुए हैं उनके बारे में भी वाजे कर दिया जाएगा कि दुनिया की जिंदगी गुजारने में ये नाकाम ठहरे जिंदगी वैसी गुजारनी चाहिए जैसी अल्लाह तबारक तआला का हुक्म है यानी इंसान इस दुनिया में रहते हुए अपना मकसद हयात पूरा करके इस दुनिया से चला जाए मकसद हयात तो बिल्कुल वाज है के दुनिया में आने का जो मकसद है वो अल्लाह तबारक ताला की इबादत ही इसने तरीके से अदा ही ना की या इबादत को छोड़ दिया और यकसर खाफिल रहा तो ये शख्स नाकाम ठहरेगा ना मुराद ठहरेगा और खसारा पाने वालों में से हो जाएगा एक और हादिसा मुबारक जिसमें नबिया करम सल्लाबारक वर्ज फरमाय नमाजों के अंदर लापरवाही के साथ किसी भी किस्म की कोई कोताही ना की हो तो रब करीम इस बंदे के साथ अहद फरमाता है और इसे जन्नत में दाखिल फरमा देता है और फरमाया कि जो इन नमाजों को इस तरह लेकर आए कि इनमें लापरवाहियों के साथ इसने कोताहियां की हुई हो तो अल्लाह तबारक ताला का उस बंदे के साथ कोई अहद नहीं है चाहे तो वो उसे अजाब दे चाहे तो वो उसे माफ फरमा दे और मामला हकूकुल्ला क्या है रब चाहे तो बंदे को माफ फरमा दे और रब चाहे तो उसको अजाब दे और अगर उसने आजाब दिया अगर उसकी गिरफ्त आ गई तो याद रखिए इंतहाई मुश्किल का शिकार हो जाएंगे फरमाइए कि नमाज की पाबंदी पर जिसमें ज़्यादा भी नहीं है तमाम जहानों का मालिक रब अज्जा जन्नत में दाखिल करने का उस बंदे के साथ अहद फरमाता है जो इस नमाज के अंदर कुत्ता नहीं करता इसमें लापरवाही नहीं बरतता फिर भी हम इस इबादत से बहुत ज्यादा लापरवाही करते हुए नजर आते हैं इसलिए नाजन हमें चाहिए कि हम अपने रब को राजी करें लापरवाहियां छोड़ दें तो इसलिए हमें उस अमल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है कि जिसके बिना पर हम अपने रब को राजी कर सकें नबी पाक सल्ला वसलम ने शाद फरमाया जो शख्स पांचों नमाजों की पाबंदी इस तरह करे कि वजू और अवकात का एहतमाम करें क्योंकि नमाज वक्त बांदा फर्ज है इन कानत कि और फिर फरमाया रुकू और सजदे अच्छे तरीके से अदा करे और इस तरह नमाज पढ़ने को अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से अपने जिम्मा जरूरी समझे कि जिस तरह ये नमाज का तरीका बयान किया जा रहा है तो अपनी जात के लिए इसे जरूरी ख्याल करें कि यह मुझ पर लाजिम है कि नहायत के साथ और एहतमत इतमान के साथ रुकू और सजदे करो और वजू अच्छा हो औकात का अहतमाम हो किरात दुरुस्त तरीके से हो यानी नमाज के जितने भी वाजिमात और फरज हैं कमा हक हो उनको अदा करने का शर्फ हासिल करें तो फरमाया उस आदमी को जहन्नुम की आग पर हराम कर दिया जाएगा अल्लाह तबारक व तौ की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम हम सब को नमाज का अच्छे तरीके से अहतमाम करने की और पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए मजर चैनल के नाजरन आइए आज के सिलसिले में हम आहकाम नमाज को भी शामिल करते हैं सेहत नमाज की शरायत है छः तहारत शत्र औरत इसबाल खबिला वक्त की पाबंदी क्योंकि नमाज वक्त बांधा हुआ फर्ज है नीयत और उसके बाद तकबीर तहरिमा ये छह छाइत हैं जिनका पाया जाना जरूरी है ये छह पाई जाएंगी तो नमाज होगी और अगर इनमें से एक भी मफकूद है यानी नहीं पाई गई तो नमाज नहीं होगी क्योंकि यह कुलिया मौजूद है इजाफात शर्त फातल मशरूत जब शर्त फोत हो जाए या ना पाई जाए तो फिर मशरूत भी नहीं पाया जाता वो भी फोत हो जाता है आइए आज के इस सिलसिले में इन छह शरायत में से एक शरात नीयत है उसके ऊपर कुछ गुफ्तगु करते हैं नीयत अहम जरूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल तमाम इबादात के अंदर खुलूस चाहिए अल्लाह तबारक ताला की रजा की नीयत होना यह जरूरी है क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह तबारक इरशाद फरमाता है वा मा इल्ला उन्हें तो यही हुक्म हुआ कि अल्लाह ही की इबादत करे उसी के लिए दीन को खालिस रखते हुए यानी अल्लाह की रिजा के लिए दीन को खालिस रखते हुए अल्लाह की इबादत करें पता चला कि अमल वही मकबूल होता है जिसमें खालिस अल्लाह तबारक ताला की रिजा को हासिल करने की नीयत भी कर ली जाती है अबू अल्ला बेशक अल्लाह तबारक वे वजूद यानी तुम्हारे जिसम और तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता बल्कि फरमाया लेकिन अल्लाह तबारक वाल तुम्हारे कुलूब यानी तुम्हारी नीयतें तुम्हारा खुलूस तुम्हारी अच्छी अच्छी नीयतें इनको देखा जाता है और तुम्हारे आमाल को देखा जाता है कि बंदे ने ये जो इबादत की है ये खुलूस नीयत से की है ये इबादत अल्लाह की रजा के लिए की है या दिखावे के लिए की है तो इसमें पता ये चला कि हमारे जाहिर के ऊपर अल्लाह की रजा नहीं है बल्कि अल्लाह इज्जत हमारी नीयतों से बाबर है जो हम नमाज़ पढ़ते हैं रोज़ा रखते हैं माँ बाप की खिदमत करते हैं बड़ों का रिस्पेक्ट करते हैं छोटों पर शफ़क़त का हाथ रखते हैं आंखें झुका के रखते हैं गाली गलोज से हम बचे रहते हैं फौश गोई नहीं करते फौश कलामी नहीं करते और इसी तरह हम कोई फौश काम नहीं करते हर तरह अपनी ज़ात को यानी नाफरमानी के कामों से बचाने की कोशिश करते हैं और दीनदारी के कामों में मसरूफ रहते हैं ये किस नीयत से कर रहे हैं अल्लाह तबारक है। नियत अच्छी होना यह बहुत जरूरी है पाक ने फरमाया, आमाल आमाल पर जो सवाब का दारो मदार है फरमाया वो अच्छी अच्छी नीयतों पर होता है और हर शख्स के लिए वो ही है जिसकी उसने नीयत की है नियत किसे कहते हैं? सबसे पहले यह बात जहन में रखिए कि दिल के पुख्ता इरादे को कहा जाता है महज जानना नहीं नहीं है, जानना ये नियत नहीं है। महज़ जानना जब तक इरादा ना हो और इबादत के अंदर यूं कहा जा सकता है कि इसकी शरी तारीफ यह है कि इबादत के इरादे को नीयत कहा जाता है कि नमाज का इरादा करके अपने घर से चला है और नमाज का इरादा करके ये तकबीर तहरीमा कह रहा है तो कहा यह नीयत है यानी इस इबादत के इरादे को नियत कहा जाता है नीयत का जुबान से कहना क्या जरूरी होता है इस हवाले से जहन में रखिए कि नीयत दिल के इरादे का नाम पुख्ता इरादा यह नीयत है दिल में है तो नीयत काफी है हाँ जुबान से कह लेना यह मुस्तह है अगर आप किसी भी जुबान में कहें इंग्लिश में कह लें अरबी में कह लें पश्तो में कह लें पंजाबी में कह लें उर्दू में कह लें किसी भी जुबान के के अंदर अगर लेंगे, तो ये भी के दर्जे पर है यानी सवाब बढ़ जाता है लेकिन अगर दिल में मसलन जोहर का इरादा किया नमाज के लिए अपने घर से निकले मस्जिद में पहुंचे नियत जहर की करनी थी क्योंकि दिल के अंदर मौजूद है अलबत् तेजी से जब जुबान से पढ़ा तो जुबान पे नमाज असर का लफ्ज आ गया और असर की नमाज की नीयत कर ली चूंकि दिल के अंदर जोहर की नीयत थी और नमाज भी जमात जो खड़ी है वो भी जहर की नमाज है और इसमें आकर ये मिल जाते हैं अगरचे जुबान की तेजी की वजह से ये जुबान से जोहर की बजाय असर का लफज निकाल लेते हैं तब भी इनकी नमाज जहर हो जाएगी

कि अगर उस वक्त कोई पूछे कि भाईजान कौन सी नमाज पढ़ते हैं तो फौरन बगैर किसी तांबुल के बगैर ठहरे कहे कि जनाब ज़ोर की नमाज पढ़ता हूं और अगर हालत ऐसी है कि सोच कर बताएगा तो फरमाया फिर नमाज जो पढ़ ली थी वो नमाज नहीं हुई सोचने की यहां पर हाजत नहीं है फौरी तौर पर यह कहे कि मैं जोहर की नमाज पढ़ता हूं जैसे जोहर की ही पढ़ रहा था तो कहे कि मैं जोहर की नमाज पढ़ता हूं और इसमें भी अहवत यह है कि जब तकबीर तहरीमा कहे यानी अल्लाह अकबर कहे उस वक्त जहन में नीयत का हाजिर हो जाना यह जरूरी है कि मैं कौन सी नमाज पढ़ने के लिए आया हूं अच्छा यहां एक सवाल हो सकता है कि एक शख्स ने नमाज की नीयत की उसके बाद ये खाने के लिए बैठ गया या लोगों से कलाम करने के अंदर मसरूफ हो गया तो क्या अब नमाज पढ़ते वक्त दोबारा नियत करना जरूरी है या नहीं है से से लिखा कि तकबीर पहले नियत अगर कर ली तो नमाज और नियत के दरमियान में कोई अमर अजनबी ना पाया जाए ऐसा अमर अजनबी के जो उन उमूर से ताल्लुक रखता हो कि जो नमाज के मुतालिक नहीं होते मिसाल के तौर पर खाना पीना कलाम करना वगैरह ये सब चीजें बीच में ना हो अगर ये चीजें बीच में होंगी तो नियत दोबारा नए सिरे से करनी पड़ेगी और अगर ये चीजें बीच में ना आई मिसाल के तौर पे ऐसा अमर आ गया कि जो नमाज से ही मुतालिक है नियत पहले कर ली फिर उसके बाद वजू कर दे बैठ गए या नियत की वजू भी कर लिया फिर उसके बाद घर से चल कर मस्जिद में पहुंचे तो ये ऐसे उमूर हैं कि जो नमाज से मुत्ल ही होते हैं तो इस मीना पर कहा कि अगर इस तरह का अमर बीच में पाया जाए तो नमाज हो जाएगी वही नीयत जो पहले की थी वो किफायत करेगी और अगर वो उमूर पाए जाए ये नमाज के अलावा है खाना पीना कलाम करना और बैठ जाना गप शप करने लग जाना तो कहा कि ये वो अमरे अजनबी है कि जिनका नमाज के साथ ताल्लुक नहीं अगर ये बीच में पाई जाए तो फिर दोबारा नए सिरे से नीयत करना जरूरी हो जाएगा नमाज पढ़ते हुए जब नियत करेंगे तो किन किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है फज नमाज में उस खास नमाज का इरादा करना जरूरी है जिसके लिए आए हैं। मिसाल के तौर पे जोहर की नमाज पढ़ना चाहते हैं तो इसका इरादा होना जरूरी है जोहर है तो जोहर असर है तो असर मगरिब है तो मगरिब इशा है तो ईशा फजर है तो फजर नमाज कोई भी हो उसका यह इरादा करना जरूरी है कि फुला खास नमाज जो मैं पढ़ने के लिए आया हूं उसकी नीयत करता हूं ही अगर वो नमाज कजा हो यानी कजा पढ़ना चाहते हैं तो उस नमाज का भी कि जिसकी कजा कर रहे हैं और उस दिन का भी कि जिस दिन की नमाज रह गई मसलन फुला दिन की फुला नमाज अदा करता हूं और अगर इमाम के पीछे नमाज अदा करते हैं तो इक्तदा की नीयत करना भी यहां जरूरी है कि मैं इमाम के पीछे ये नमाज पढ़ रहा हूँ या इमाम की इतदा करता हूँ तो ये जरूरी है कि दिन और नमाज को मुतन किया जाए उस सूरत में कि जब कज़ा नमाज पढ़ते हो लेकिन अगर नमाजें बहुत ज्यादा हैं यानी पता नहीं चलता कि कौन से दिन की जहर कजा हुई थी या कौन से दिन की असर कजा हुई थी तो ऐसी सूरत में फकाहा ने एक आसानी लिखी है जब किसी की कसरत के साथ नमाजें कजा हो जाए तो वो यूं कह सकता है कि मेरी जिंदगी की जो सबसे पहली नमाज कजा हुई मैं वो पढ़ रहा हूं या मेरी जिंदगी की जो सबसे आखिरी नमाज कजा हुई मैं वो पढ़ रहा हूं तो जिंदगी की जो सबसे आखिरी कजा थी जब ये पढ़ ली तो ये माइनस हो जाएगी जो इससे ऊपर वाली थी अब वो आखिरी रह जाएगी इसी तरह जिंदगी की जो मेरे जिम्मे सबसे पहली नमाज है तो मैं वो पढ़ रहा हूं तो जो सबसे पहली नमाज होगी वो माइनस हो जाएगी और फिर उसके बाद जो दर्जा आएगा तो वो इसकी सबसे पहली कहलाएगी तो इस तरह सबसे पहली या सबसे आखिरी करके ये नमाजें अदा करता रहे यहाँ तक कि इसकी तमाम जो कज़ाएँ इसके जिम्मे पर थी वो साकित हो जाए तो इस तरह नियत की जा सकती है और अगर नमाज का वक्त ख़त्म हो जाए नमाज का वक्त ख़त्म होने के बाद किसी ने यूं नियत की कि मैं फर्ज वक्त की नियत करता हूं तो फिर उसके फर्ज अदा नहीं होंगे खा वक्त निकल चुका है इसके इल्म में हो या ना हो यानी यह बात अगर है या नहीं है कि वक्त निकल चुका है लेकिन इसने फर्ज वक्त की बात की है तो इसकी नमाज नहीं होगी नमाज फर्ज में अगर यह नियत की कि आज के फर्ज पढ़ता हूं तो तब यह भी काफी नहीं जबकि किसी नमाज को इसने मुन ही नहीं किया मसलन आज की जोहर या आज की इशा या आज की असर तो जब तक नमाज का नाम नहीं लेगा तो इस तरह उसकी वो नमाज नहीं होगी तो इसमें औला यह है कि यह नियत करे कि आज की फुला नमाज अगरचे वक्त खारिज हो गया हो नमाज इसकी फिर भी हो जाएगी कि आज की फुला नमाज वक्त बाकी है तो अदा कहलाएगी और अगर वक्त निकल चुका है तो ये कजा कहलाएगी तो इस तरह यह नमाज हो जाएगी मदरी चैनल के नाज्रेन आइए आज के सिलसिले में रिकॉर्डेड सवाल भी शामिल करते हैं सवाल चलाइए मेरा नाम अहमद शुब हसन है मैं फैसलाबाद से हूँ मेरा सवाल ये है कि अगर इमाम साहब भूल कर पाँचवीं रकत के लिए खड़े हो जाए और मक्तदी के लुमा देने से वापस आकर नमाज मुकम्मल कर लें और भूल कर सजा साहब भी ना करें तो क्या नमाज हो जाएगी या नहीं और ऐसी सूरत में मुक्त का लुकमा देना कैसा है इमाम साहब अगर भूल कर पाँचवीं रकत के लिए खड़े हो जाए तो हुक्म यह है जब तक पाँचवीं का सजदा ना कर लिया हो उससे पहले पहले यह वापस आ सकते हैं बैठ जाएं तशहद पढ़े सजद सहव करें और अपनी नमाज को कंप्लीट कर लें लेकिन अगर ये वापस ना आए तो ऐसी सूरत के अंदर मुक्तदी को चाहिए कि इन्हें लुकमा दे क्योंकि मुख्तदी का लुकमा देना अब बर महल है यानी महल में लुकमा देना कहलाएगा मुख्तदी को चाहिए कि सजदा पांचवी का करने से पहले पहले इमाम साहब को याद दिलाए इमाम साहब उसका लुकमा ले लें शरण इसमें कोई हर्ज नहीं लुकमा लेकर वापस आ जाए और वापस आकर ये तशाह पढ़ें सजद साहब करें अपनी नमाज को मुकम्मल कर लें इस सूरत के अंदर के जब मुख्त ने लुकमा दिया और इमाम साहब पांचवी रकत से वापस आ गए तशाह पढ़कर इन्होंने सलाम फेर दिया और सजद साहब नहीं किया हालांकि सैदा साफ करना इनके ऊपर वाजिब था जब इन्होंने ये सईद साफ़ नहीं किया तो इन पर लाजिम है कि ये नमाज दोबारा पढ़ें और वो मुख्तरी जो इनके पीछे थे उन सब पर भी लाजिम है कि ये नमाज दोबारा पढ़ें ये नमाज वाजिब अजादा है मजीद सवाल चलाइए मेरा नाम मोहम्मद बिलाल अतारी है मेरा सवाल ये है कि अगर जुमा और ईदैन की नमाज़ में एक इमाम साहब खुतबा दे और दूसरा इमाम जमात करवाए तो इसमें कोई कराहत तो नहीं है नमाज जुमा हो या ईदेन हो एक इमाम साहब खुतबा पढ़े और दूसरे जमात करवा दें शायद इसमें कोई हर्ज नहीं है लेकिन उलमा ने लिखा बेहतर यह है कि जो खुतबा पढ़े वही नमाज की जमात करवाएं यानी दोनों काम एक ही इमाम साहब करें यह बेहतर है अलबत् अगर किसी जगह पर एक इमाम साहब ने खुतबा दिया और दूसरे इमाम साहब ने जमात खड़ी करवा दी तो शरण इसमें भी हर्ज नहीं नमाज में किसी भी किस्म की कोई कराहत लाजिम नहीं आएगी मजीद सवाल चलाएं मेरा नाम जैनारफीन है मुफ्ती साहब की खिदमत में मेरा एक सवाल है कि जिस शख्स की तंदुरुस्ती की हालत में नमाज़ें कज़ा हुई अब वो इस हालत पर है कि सिर्फ इशारे से नमाज पढ़ सकता है तो हालत तंदरुस्ती की कज़ा नमाजें क्या इशारों से पढ़ने से अदा हो जाएंगी सबसे पहले यह बात जहन में रखिए कि कज़ा नमाज़ पढ़ने के हवाले से शरीत मतहरा वही उसूल है जो आदा नमाज पढ़ने के हवाले से यानी जिस तरह आदा नमाज़ पढ़ने का तरीका है क़्याम किरात रुकू और सुजूद ये सब चीज़ें फ़र्ज हैं वैसे ही जब कज़ा पढ़ेंगे तो इन में भी वो चीज़ें फ़र्ज़ हैं तो तमाम चीज़ें और तमाम अहकाम का ख़्याल रखना उसमें ज़रूरी है अलबत् अगर किसी शख्स को उज़र लाक हो जाए कि वो शख्स क्याम रुकू या सजदों पर कादिर नहीं रहा तो फिर उस सूरत के अंदर उस शख्स को अपने उज़र के मुताबिक नमाज पढ़ने की इजाज़त है तो ऐसी सूरत के अंदर वो नमाजें के जो तंदरुस्ती के अंदर कज़ा हुई थी अगर उज़र की वजह से बीमारी की हालत के अंदर बैठ कर पड़ी गई या उस उज़र में इन्होंने कज़ा की है तो शर्ण वो नमाज़ें भी हो जाएगी जब दोबारा तंदुरुस्त हो जाएंगे तो इन नमाजों का अदा करना भी लाजिम नहीं होगा मदरी चैनल के नाजरीन हमारे आज के सिलसिले का वक्त अख्तितम को पहुंचा। आइंदा तक के लिए इजाजत दीजिए दुआगो है अल्लाह तबारक वाल हम सब की हाजरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए अमल की तोफीक दे आमिर हरेत